हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सीआरए अकाउंट कैसे बनाना है। मैं आपका वो लाइव डेमो दूंगा कि सीआरए अकाउंट बनाना कैसे होता है। तो हर एक चीज़ बहुत ही सिंपल स्टेप में बनाना होता है। तो सीआरए अकाउंट से बनाने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो एम करते हैं 200 लाइक्स का इस वीडियो पे। बहुत ही कम लाइक का एम है, तो आई होप आप कर दोगे। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा सीआरए अकाउंट बनाने के लिए। अगर आपने सीआरए अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स फाइल करने के बाद आपकी एक असेसमेंट आती है। वो असेसमेंट में लाइन 10100 फाइंड करनी है। लाइन 10100 का मतलब है कि आपकी कितनी एम्प्लॉयमेंट इनकम है उसकी। ठीक है, तो सीआरए का अकाउंट कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ और एक एक स्टेप्स पता लग जाएगा आपको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। तो फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीआरए पे साइन अप कैसे करते हैं, सीआरए पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो शाउट आउट है मेरे एक प्यारे से फॉलोवर को जिसने मुझ पर ट्रस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो मैं उसका बनाने जा रहा हूँ सीआरए का। तो इससे ये होगा कि आपको भी पता लग जाएगा कि कैसे फाइल करना है। सबसे पहले अपने सीआरए की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, उसके बाद आना है, यहाँ पे आते रहना है साइन इन टू सीआरए अकाउंट। जब यहाँ करोगे तो यहाँ पे माई अकाउंट पे जाना है, क्योंकि ये आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, जब आप माई अकाउंट पे क्लिक करोगे तो उसके नीचे जाते 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 यहाँ पे आएगा सीआरए रजिस्टर। सीआरए रजिस्टर के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना सिन नंबर डालना है। तो फिर मैं ये चीज़ें अभी वो कर दूँगा, क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे सिन नंबर डालना है, तो मैं चीज़ें कट कर दूंगा फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। ठीक है, तो मैं सिन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। सिन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आएगा कि एड्रेस, पोस्टल कोड आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो मैं वो इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ वो वाली। और उसके बाद क्या है कि ये जो ये वाली चीज़ है यहाँ पे लाइन जहाँ ये कहाँ से पता करता है, अगर आपने टैक्स फाइल किया ना तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँगा एक एक चीज़ क्या क्या है। ठीक है, पहले मैं ये भर लेता हूँ, ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो सबसे पहले हम पोस्टल कोड डाल देते हैं। सो जब आप ये डाल दोगे अपना पोस्टल कोड एड्रेस, तो ये आ जाएगा सीआरए सिक्योरिटी कोड नोटिफिकेशन। तो आपको सिक्योरिटी कोड क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, यू शुड रिसीव इट विद इन 10 डेज। तो आपको 10 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे करोगे नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। तो नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आई कन्फर्म कि ये मेरा करेंट पोस्टल कोड है, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो वो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपको कैसे क्रिएट करना है, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं वो क्रिएट करके आपको बताता हूँ।
तो गाइस ये देखो, जब आप पासवर्ड और यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस बना सकते हो अपने आप से। तो मैं ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस बना लेता हूँ। यहाँ पे आती है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, तो आपको यहाँ पे नीचे आएगा यूजर नेम, फिर उसका पासवर्ड भरना है, तो कंफर्म करना है। ठीक है, तो मैं यूजर नेम और पासवर्ड नीचे भर देता हूँ। तो इसके बाद बस ये आपका ये पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको पहले लिखा हुआ कि इफ़ यू अप्लाई फॉर COVID-19 एमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट अ CRA कोड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो CRA कोड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो CRA कोड आपको 10 दिन में आ सकता है, 10 दिन में आपको बाय मेल आ जाएगा। अगर आपको जल्दी चाहिए यू कैन कॉल CRA। तो नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा टर्म्स एंड कंडीशंस, ये आपका एग्री करोगे तो ये आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका अकाउंट बन गया, ये आपकी असेसमेंट है, ये जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, आपने करना होगा। तो ठीक है, तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना, लोगों की हेल्प कर देना। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।